need. आ गए भाई, आ गए, आराम से थोड़ा खींचो छोटू। देखिए आप देख रहे हैं कि सरकार चाहे स्पोर्ट्स हो या एडवेंचर एक्टिविटीज हो, उसको बढ़ावा देने के लिए कई सारी एक्टिविटीज कर रही है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। हर एक गांव में खेलो इंडिया खेलों के तहत स्पोर्ट्स किट दिया गया है, आप जान रहे हैं। जिला स्तर पे अधिकतर जगह मैं स्टेडियम देखता हूँ, इंडोर स्टेडियम भी कुछ जगह हैं, झांसी में ही आप देख रहे हैं। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स के सामान हो गए, जो प्लेयर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल में मेडल लाते हैं उनको कितना बड़ा तोहफा दिया जाता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि दी गई थी, अन्य भी मदद दिए गए थे। तो मेरा मानना है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़रूरी है जो लोग हैं उसमें जागरण करने की, कि पहले ये होता था कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। आप देख रहे हो चाहे क्रिकेट हो या अन्य चीज़ें हो, जो लोग खेल में आगे निकलते हैं वो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस होते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, जो मन में आए विद इन सोशल नॉर्म्स और विद इन रूल्स ऑफ गवर्नमेंट वही करें, उसी में आगे जाएं और अच्छा दाम कमाएं। थैंक यू। मार छोड़ दे।